नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। विद्यार्थियों, आज मैं आपको हल करवाऊंगा कक्षा 9th का संस्कृत विषय का पेपर। ये एक पेपर बाकी रहा था, बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर मैंने हल करवा दिए हैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपने, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। विद्यार्थियों, ऐसा पेपर है, इन्हीं में से क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये मेरा अनुभव है विद्यार्थियों। क्योंकि पिछले साल मैंने सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्यूशन करवाए थे एग्जाम से पहले, तो उन्हीं में से पूछा गया था। और सारे आप देख सकते हैं, सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी पिछले साल के, तो आप देख सकते हैं ज़रूर। ओके, तो सारे क्वेश्चन जो इन्हीं में से 90% पूरी संभावना रहती है विद्यार्थियों, और ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हूबहू आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। ओके, तो आप अगर कम समय में और ज़्यादा अंक लाना चाहते हैं तो आप ध्यान पूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके, पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, सारे क्वेश्चन बताऊंगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कक्षा 9th की संस्कृत विषय की बात करेंगे। देखो विद्यार्थियों, एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं संस्कृत विषय का टीचर नहीं हूँ, ये किसी अदर टीचर के द्वारा मुझे उपलब्ध करवाया गया था। बाकी मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन से आपकी पूरी संभावना रहेगी आने की। और अगर आपको संस्कृत में क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो कोई बात नहीं, आप इसे पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम में 80% से भी ज़्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। कम समय में बेहतर स्कोर होगा आपका। ओके, देखिएगा देखिएगा सबसे पहला जो आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आपके पद्यांश आएगा। क्या आएगा? अपठित। देखो पहला जो क्वेश्चन है, अधोलिखित अनुच्छेद पठित्वा प्रश्न निर्माण उत्तराणी संस्कृत पदेन लिखत, मतलब ये गद्यांश है विद्यार्थियों। इसे पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहले आपको इसे पढ़ लेना है, उसके बाद जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना विद्यार्थियों, ये आप इस क्वेश्चन को हल करना है। ओके, एक पदेन लिखना है, उसके बाद पूर्ण वाक्य उत्तर लिखना है, और सेम दे रखा अशे अनुच्छेद करते उपयुक्त शीर्षक लिखे, इस अनुच्छेद का विद्यार्थियों आपको शीर्षक लिखना है, उचित शीर्षक। तो विद्यार्थियों, आपको पासबुक के द्वारा इस पेपर को हल करना है। ओके, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, उत्तर आपको ही निकालना, इतना तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको अच्छे अंक आपको ही लाने हैं, तो इतना तो आप कर सकते हैं। ओके, अगला है द में यथार्थ निर्देश उत्तरम लिखत, केवल प्रश्न त्रयम। देखो केवल तीन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है। ओके, तो इन प्रश्नों के देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि युष्माकम इति पदसी विपरीतार्थ पदम अनुच्छेद चित्वा लिखित। तो युष्माकम है ना, इसका विपरीत अर्थ क्या है? विपरीत अर्थ, विपरीत विलोम शब्द क्या है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा अस्माक। क्या आ जाएगा? अस्माक। दूसरा में अतएव इति अस्थि अनेकतायाम एकता अश्विन वाक्य किम अवयव पद। तो अतएव अस्थि अनेकतायाम एकता में अवयव पद कौन सा है, तो आप तो आपको लिखना है। ओके, और तीसरा में ये देखो संसार सी इति पदम अनुच्छेद प्रयुक्त और भारतीय संस्कृति अत्र विशेषण पद। चार जो क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों में से आपको तीन ही करने होते हैं। ओके, तो ये अगला खंड ख में, खंड ख में क्या पूछा जाएगा वो भी मैं बता देता हूँ। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो विद्यार्थियों, मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि मुझे संस्कृत में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे किसी अदर टीचर के द्वारा पेपर हल मुझे बताया गया था कि ये क्वेश्चन पेपर है एग्जाम में 90% ये संभावना रहेगी आने वाली, तो इसीलिए बता रहा हूँ। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊँगा, आपको हल आपको ही करना है। देखो भवत्या नाम आराध्या अस्ति, भवती नाम कक्षा 17 अस्ति। ओके, त्रण दिवसीय अवकाश हेतु कुल मिला के इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको तीन दिवस की छुट्टी अवकाश हेतु आपको प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधान अध्यापक को। ओके, संस्कृत में। अगला तीसरा है कि अध प्रदत्त चित्रवा दृष्टवा मंजूषाया प्रदत्त सुदाना साय पच्च वाक्यानि संस्कृत लिखन। तो इसमें देखो ये दे रखा है ना चित्र, तो इन चित्र को ध्यान में रखकर और इस मंजूषा का प्रयोग करते हुए आपको 5 लाइनें लिखनी, कितनी लिखनी है? 5। ओके, संस्कृत में। अथवा में दे रखा है, तो अथवा में आप अगर ये नहीं आता है तो आप देखिए मंजूषा या प्रदेश शब्दाना शायद निम्नलिखित विषय अधिकृत 95 वाक्य लिखने, यानी 5 वाक्य किसमें लिखने? कक्षा कक्ष में, अपनी कक्षा कक्ष है ना, उसके ऊपर 5 वाक्य में आपको संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं, 5 लाइनें इस मंजूषा का प्रयोग करते हुए। ओके, अगला 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधोलिखिताना वाक्याना संस्कृत अनुवाद कर। ये जो हिंदी में वाक्य दे रखे हैं, 6 वाक्य हिंदी में दे रखे हैं विद्यार्थियों, इनको आपको किस में? संस्कृत में, संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। ओके, अगला खंड ख, खंड ग, ग में देखिए इस तरीके से पेपर आएगा, खंडों में विभाजित होगा विद्यार्थियों, पेपर है वो खंडों में विभाजित होगा। ओके, और विद्यार्थियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले सारे हल करवा दूंगा, सारे बता दूंगा, कोई डाउट नहीं होगा बहुत। अगर आपकी तैयारी नहीं भी है ना, तो फिर भी आप आराम से एग्जाम में पास हो सकते हैं। 500 अधोलिखितानि पदानि संधि विषेद या संधि पद लिखत। तो ये है केवल पंच पच सतुष्टम।
ओके। तो इसमें आपको क्या लिखना प्रश्न है, सतुष्टय में चार प्रश्न ही लिखने हैं, पांच दे रखे ना, इनमें चार को ही करना है आपको, संधि विच्छेद करना है या संधि लिखनी है। ओके, अगला है सट्टा उचित विभक्ति प्रयुक्त रिक्त स्थान पूर्ति कृत, यानी ये जो दे रखा है ना इसकी रिक्त स्थान पूर्ति करनी एक दो चार प्रश्नों की, दो और तीन चार और ये जो आपके नीचे पांचवा दे रखा है ना ये पांच, यानी पांचों में से सिर्फ चार प्रश्नों के ही उत्तर लिखने, बाकी पांच पांच के ही नहीं करने आपको, सिर्फ चार पांचों में से चार के ही आपको क्या करना है। आप देखो यहाँ स्पष्ट दे रखा है चतुष्टयम, ओके, तो चार प्रश्नों के उत्तर खाली जगह लिखनी है, पांचों में से चार के ही करने। अगला है उचित अलंकार प्रयोजित चितवा वाक्यानि पूरित, यानी उचित अलंकार का प्रयोग करते हुए चार प्रश्नों के उत्तर लिखने, कितने चार, देखिए पांच प्रश्न दिए दिए होंगे एक दो और तीन और उसके बाद आप देखिएगा चार और पांच, चौथा और पांचवा, इन चारों में से केवल ये पांचों में से केवल चार प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं वो अचित अलंकार का प्रयोग करते हुए। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न ये कह रहा है कि कार को पद विभक्ति आश्रित उसी पदानि विकल्प स्मृत, ठीक, उचित कारक का प्रयोग करते हुए आपको सिर्फ चार प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, पांच आपको प्रश्न दिए दिए, जैसे आपको पहला प्रश्न ये दे रखा है, दूसरा ये, तीसरा, ओके, तो इसको खाली जगह भरनी है। प्रश्न में क्या दे रखा है, उचित ये देख सकते हो उचित कारक पद का विभक्ति का आश्रित उचित उचित कारक विभक्ति का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, चौथा और ये पांचवा, पांचों में से चार करनी है, ओके। अगला नवा क्वेश्चन देखिएगा, रेखांकित पदेशु प्रकृति प्रत्यय विभज्य संयोज्य वालिकत, तो ये जो रेखांकित पद है ना इसको प्रत्यय को अलग करना है या फिर प्रत्यय जो प्रत्यय को इसमें से प्रत्यय कौन सा है वो अलग करना है या फिर इसका संयोजन करना है, ठीक है, या प्रत्यय जैसे लाइन अंडरलाइन दे रखी है तो ये इसके इसके अंदर किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और ये जो गम प्लस अक्त हैं इस प्रत्यय का प्रयोग करते क्या शब्द बन सकता है, मतलब है कि विभज्य विभाजन भी करना है, क्या करना है विभाजन, मतलब प्रत्येक को अलग भी करना है और प्रत्येक को संयोजन भी करना है, संयोजन का मतलब जोड़ना, ठीक है। तो कितने प्रश्नों के, तीन प्रश्नों के, कितने त्रयम प्रश्न, त्रयम तीन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, पहला एक दो और ये तीसरा और ये चौथा, यानी चार में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तीन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकायना स्थाने उचित संख्या पदानि लिखित, जो अंक दे रखे हैं ना विद्यार्थियों आपको सिर्फ चार प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, एक दो तीन चार पाँच, इन चार में से पाँच में से चार के प्रश्न लिखने, जो अंक दे रखे हैं चार नौ पचहत्तर सौ अट्ठाईस, इसको संस्कृत पद में लिखना है, यहाँ खाली जगह में आपको संस्कृत में लिखना है, ये जो अंक दे रखे हैं ना इसका सिर्फ आपको क्या लिखना है, संस्कृत में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्यारहवा औद्योलिखित पदेशु उपसर्ग संयोज्य विभज्यकृत, यानी इस केवल चार प्रश्नों के उत्तर लिखने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें सम प्लस रक्षित से कौन सा शब्द बन सकता है, संयोजन करना है प्लस विभाजन करता है उपसर्ग का, पहले प्रत्यय वाला क्वेश्चन आया था इस बार उपसर्ग आया है, तो उपसर्ग कौन सा है आपको अलग करना है, इसमें से उपसर्ग अलग करना है, इसमें से अलग करना है, इसका संयोजन करना है, इसका भी संयोजन करना है, ओके। तो ये है आपके उपसर्ग से संबंधित क्वेश्चन। बारहवा कोष्ठ के व्यू शुद्धम अव्यय पद सित्वा रिक्त स्थान पूरित, यानी शुद्ध अव्यय पद इसमें से कौन सा अव्यय पद खाली जगह में आ सकता है, केवल चार प्रश्नों के उत्तर लिखने, पांच प्रश्न दे रखे हैं उनमें से सिर्फ चार के ही उत्तर लिखने, कितने चार के, तो उसी तो अव्यय पद का प्रयोग करना है आपको, इन चार और अव्यय पद भी यहाँ दे रखे हैं, देखिए यहाँ दोनों में से कोई एक का प्रयोग करना है। अगला है खंड घ, खंड घ में क्या पूछा जाएगा, देखिएगा औद्योलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत पद लिखित, ये है आपके गद्यांश, इस गद्यांश को एक बार पढ़ लेना है दो बार और उसके बाद इसमें प्रश्न दे रखे ना प्रश्न का उत्तर गद्यांश को पढ़कर देना है, ओके। ये एक पद उत्तर प्रश्न देवे, यानी तीन प्रश्न दे रखे हैं दोनों के उत्तर लिखने हैं, पूर्ण वाक्य प्रश्न यानी प्रश्न देवे, यानी तीन प्रश्न दे रखे हैं उसके सिर्फ दो के प्रश्न उत्तर लिखने हैं, ओके। और ये देखिए यथा निर्देश उत्तर केवल प्रश्न देवे, यानी सिर्फ दो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, एक दो या तीनों में से आप दो कोई दो प्रश्नों के उत्तर आपको लिख देने हैं, ठीक है, सिर्फ इस गद्यांश को पढ़कर और कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं है। चौदह प्रश्न है औद्योलिखित पद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्न न उत्तराणी संस्कृत पदें लिखें, तो ये पद्यांश दे रखा है ना विद्यार्थियों, इस पद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने, अब जैसे देखा एक पदेन जो उत्तर लिखना है उसमें सिर्फ आपको क्या तीन प्रश्न दे रखे हैं, उसमें से आपको सिर्फ दो के प्रश्न उत्तर लिखने हैं, सिर्फ दो के, क व्रत क युवा काम आदानी कुशनी न गमिष्यसि, तो इन तीनों में से आपको सिर्फ दो के ही उत्तर लिखने हैं। अगला है
पूर्ण वाक्य उत्तर केवल दो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तो रावण की दृश्य अस्थि कसर, ये सिर्फ अब पद्यांश देखोगे ना उसके अंदर पूरा पूरा मिल जाएंगे आपको उत्तर, तो सिर्फ दो प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। अगला है आपके स यथा निर्देशम उत्तरम केवल दो प्रश्न, तो इन तीनों में से सिर्फ दो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं पद्यांश को पढ़कर। और पंद्रवा दे रखा है संवाद न पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत पदेन लिखन। अब देखो ये संवाद दे रखा है, ये संवाद को क्या करना है विद्यार्थियों, इसमें क्या दे रखा है प्रश्न क्या है कि संवाद, ये जो संवाद दे रखा है ना चंदन और मल्लिका, चंदन और मल्लिका का संवाद है, इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कैसे दोगे आप, जैसे पहला प्रश्न है एक पदेन, तो केवल दो प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो ये तीन प्रश्न है, इन तीन प्रश्नों में सिर्फ दो के प्रश्न उत्तर लिखने हैं। और यहाँ भी आप पूर्ण वाक्य लिखना है, ये पूर्ण वाक्य लिखना है, पूरा लिखना है, दो तीसरा और थर्ड, इन थर्ड में से तीनों में से सिर्फ दो के उत्तर लिखने हैं। सिर्फ इस किसको पढ़कर, इस संवाद को, ये दे रखा है ना 15वां प्रश्न में संवाद, इसको पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और स में क्या दे रखा है यथार्थ निर्देशम उत्तर केवल दो प्रश्न, सिर्फ दो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ये भी आपको संवाद में से मिल जाएंगे, तीसरा पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों में से सिर्फ दो के पर उत्तर लिखने हैं। ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ पूछा जाए उतना ही लिखना है। ओके 16 में रेखांकित पता नहीं आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत केवल चतुष्टम, ये सिर्फ चार प्रश्नों के जो चार जो दे रखे हैं ना लाइनें रेखांकित पद, चारों का ही आपको प्रश्न निर्माण करना है, पांच में से पांच ही नहीं करने, सिर्फ चार ही करने हैं। ओके पांच करोगे तो एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाला, जो नंबर है ऑलरेडी चार नंबरों का है तो चार नंबर ही मिलेंगे, एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे अगर पांच करोगे तो, आपको सिर्फ चार ही करने हैं। ओके चार ही आपको करने, तो आपको प्रश्न निर्माण करना है, क्या करना है प्रश्न निर्माण करना है संस्कृत में। अगला 17वां प्रश्न मंजूषा पद से सहायता थी समुच्ची पदानी सित्वा औदोलोकित श्लोक से अन्वनी पुरुत, तो ये आपके क्या है आपको श्लोक पूरा करना है, क्या करना है श्लोक पूरा करना है आपको, ये श्लोक दे रखा है इसको पटकर, और इस क्या करना है इसका आपको अनवी अनवी पूर्ण करना है, खलजी के बनी है। उसके बाद मंजूषा अथवा में दे रखा है, अथवा में भी दो दोनों में से कोई एक करना है। 18वां प्रश्न औदोलिखित कथा या समुचित कर्मण लिखित, ये जो कथा है विद्यार्थियों ये क्या है कि आपको बिना कर्म के मतलब आगे पीछे हैं तो आपको सही क्रम में पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे पर कौन सी लाइन आएगी, तीसरे पर कौन सी, चौथे पर कौन सी, पांचवें पर कौन सी और छठे नंबर पर कौन सी, मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक किस तरीके से आपको इसे अरेंज करना है, तो इसे पढ़ना है। अगर आपने जो पाठ वगैरह पढ़े हो गए ना अपने किताब के अंदर से, तो उनसे आप निकाल सकते हैं आराम से, क्या आराम से निकाल सकते हैं कि पहले मतलब शुरुआत कहाँ से होगी अंत कहाँ से होगा। ओके ये 8 लाइनें हैं, आप 8 लाइनें करनी है। 19वां प्रश्न रेखांकित पदानी आदृतीय प्रसंगानुसार अर्थ चयन चित्वा, जो इसका जो अर्थ लिखना है, रेखांकित पद दे रखा है ना इसका अर्थ क्या है, मल्लिके सत्वरम आगच, मल्लिके सत्वरम आगच, अगला है प्राणी मम वेश्या संतु, इसके अर्थ लिखने हैं आपको, क्या संस्कृत का संस्कृत है मैं अर्थ। ओके ये पूरा पूरा प्रश्न पत्र देखिएगा, ये 5, 6 और ये ठीक है, ये ख में दे रखा है और ख में क्या दे औदोलिखित शब्दाना पर्याय पदेन स मिलत गुरु, तो ये प्रश्न दे रखा है कि इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द का मिलान करना है, क्या करना, देखो अक्षम का मैं बताता हूँ असमर्थ क्या होगा, मनोहर का आकर्षक, पर्यायवाची शब्द लिखना है, द्वितीय का सूता और सुमनम का कुसुम। ओके तो ये है आपका पर्यायवाची शब्द। ओके तो ये आपका संस्कृत का पेपर था, एक ही बाकी रहता और काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों की डिमांड थी, तो इस वजह से मैंने ये बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि पेपर थोड़ा बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं तो सीधे एग्जाम में पूछे जाए। ओके तो अगर चैनल पर नहीं है तो विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले पेपर और आने वाला जो सारे वीडियो है आपको समय पर मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर।